हेलो दोस्तों, शेडी मूड में आपका स्वागत है। आज हम लोग मास्टर वीडियो देखेंगे। मैं बार बार बोल रहा था आपसे कि आपको बहुत अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। इसमें विविध मीन्स की ऑल क्वेश्चन इसमें मिक्सर होगा और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे 5 से ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो आपके, जो 16 जून के बिहार फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 5 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आएंगे। ये मेरा मतलब कि पूरा अनुमान है। और अगर आप इसे 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले देख ले रहे हैं, तब खुद ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर आइएगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो पहला है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। साथ में आप ही क्वेश्चन लगाते चलिए। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जैसे कि सारनाथ जो है वाराणसी के निकट है, वाराणसी में इसके बनारस के निकट सारनाथ स्थित है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जिसे बोला जाता है, बुद्ध जी ने सबसे पहला उपदेश दिया था, जिसे महाधर्म चक्र प्रवर्तन भी बोला जाता है। वहीं से जो अशोक स्तंभ था, वहीं स्थित सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। सिंह स्तंभ में एक तरफ से देखिएगा तो 3 ही शेर, सिंह में शेर होता है, सिंह दिखाई देगा। लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखिएगा चारों तरफ से, तो उसमें 4 सिंह हैं, 4 से हैं, लेकिन एक ही तरफ से 3 ही दिखाई देता है। ठीक, तो ये कहाँ से लिया गया है? जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ये सारनाथ स्थित है, वहाँ से, अशोक सिंह स्तंभ से। एक सत्यमेव जयते होता है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ आप देखते, सत्य का ही ऑलवेज जीत होता है। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद। एक ऋग्वेद होता है, बार बार देते हैं, ऋग्वेद कहाँ से लिया गया? नहीं, ऋग्वेद नहीं, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेदों की जो वेद है, वेदों की संख्या 4 है और सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या कितनी है? हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है जो अंदर नीला टाइप के होता है ऐसे, और वो जो ऐसे जैसे होता है, क्या बोला जाता है, चक्र होता है, चक्र में कितने तिल्ली होते हैं? ये क्वेश्चन आया था आपका, बार बार आता है, वही पूछ रहा है। तो वो 24 तिल्लियाँ होती है। कितनी होती है? 24 होती है तिल्लियाँ। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो है उसमें 3 रंग है, केसरिया, उजला है और हरा है। ठीक, ये तीनों रंग तीनों रिप्रेजेंट करता है अलग अलग, जैसे कि सफ़ेद जो करता है वो शांति का, हरियाली जो करता है वो हरा भरा, ये सब हरा मीन्स हरियाली, ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है कितना है। तो वो जो अनुपात है, लंबाई 3:2, इसकी 3:2 में ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। अगर चौड़ाई लंबाई का अनुपात पूछे, उल्टा कर देता है, तो वो 2:3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ध्यान से क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए कि लंबाई और चौड़ाई का पूछ रहा है, तो लंबाई बड़ा होता है, चौड़ाई छोटा होता है, तो ये 3:2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा है। जो हमारा राष्ट्रीय गान है, ठीक, जनगण मन अधिनायक की जय है भारत भाग्य विधाता, जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसके लिए जो निर्धारित समय सीमा है ये 52 सेकेंड है। कितने सेकेंड है? 52 सेकेंड है, जो प्रत्येक स्कूल में गाने के लिए बोला जाता है, आप प्रेयर के समय गाया जाता है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यही राष्ट्रीय गान से एक और क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान जो कि रचयिता कौन है, जो हमारे राष्ट्रीय गान है उसकी रचयिता कौन है? तो जो राष्ट्रीय गान जनगण मन, ये रचयिता जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्हें 1913 में एशिया के प्रथम, एशिया में पूरे एशिया कॉन्टिनेंट, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, मीन्स कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, और साहित्य के क्षेत्र के लिए मिला था इनको, साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें। ठीक, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, और इन्हीं ने अमार सुनार बंगला या जनगणमन, इंडिया का जनगणमन और अमार सुनार बंगला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, गान है, गीत नहीं गान है, लिखा था। ठीक, यही लिखे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी किस उपन्यास से लिया है। पहले तो राष्ट्रीय गीत पता होना चाहिए। ठीक, वंदे मातरम, सुजलम सर्वम, मलय शीतलम, सस्यशातरम मातरम, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और जो गान है वो है जनगण मन। तो राष्ट्रीय गान का तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहीं दिया रहता है, बंकिम चंद्र चटर्जी भी दिया रहता है, लिखे हैं। ये किस उपन्यास से लिया गया है? ये आनंद मठ एक उपन्यास था, वहाँ से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास है, ठीक, वहीं से ये गीत निकाला गया था। ठीक, सबसे पहले 1896 में ये गीत गाया भी गया था। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसे ध्यान से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसे स्वीकार किया गया है
ठीक, कब स्वीकार किया गया ये पूछ रहा है, ठीक है, कब स्वीकार किया गया, तो ये 26 जनवरी 1950 को गया गया था और उसी समय से स्वीकार कर लिया गया था वंदे मातरम। ठीक, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। ठीक, लेकिन पूर्णतः जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिस दिन हम लोग अपना गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मतिथि भी है। ठीक, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग माफ कीजिएगा, हमारा एक राष्ट्रीय पंचांग है वो पूछता है कि किस संवत पर आधारित है, तो जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। ये क्वेश्चन आया था, इसे एकदम मतलब याद कर लीजिएगा, जो जो मैं इसे घेर दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन, ये शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय पंचांग, और वो किस तिथि से अपनाया गया है, तो ये आसानी से आप हिंदी पंचांग जानते हो तो लगा लीजिएगा, ये 22 मार्च 1957 ईस्वी से अपनाया गया है। ठीक, तो ये याद रखने की कोशिश कीजिएगा, तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 22 मार्च का दिन खास इसलिए भी है कि हम लोग 22 मार्च को किसका दिवस मनाते हैं, तो बिहार दिवस भी हम लोग मनाते हैं। बिहार दिवस भी कब पड़ता है, तो 22 मार्च को ही पड़ता है। और ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जो दशमिक प्रणाली की भी शुरुआत किया गया था वो भी भारत में 1957 में ही शुरुआत किया गया था, 1957 से ही। और राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत है वो भी अपनाया गया 22 मार्च 1957 से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन से युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, ये आपसे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। ठीक, अभी इसमें कुछ सस्पेंस भी रहता है कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है कि नहीं है, कि पहले राष्ट्रीय खेल हॉकी था। ठीक, लेकिन अभी कोई ऐसे, मैं सच में बता रहा हूँ, अभी कोई राष्ट्रीय खेल हमारा नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप हॉकी ही लगाइएगा। ठीक, क्योंकि हॉकी पहले था और आज भी लोग मानते हैं, लेकिन अभी तक इंडिया डिसाइड नहीं कर पाया है कि कुछ साल मतलब पहले, बहुत पहले हॉकी था ही राष्ट्रीय खेल हमारा। ठीक, बहुत लोग ये कन्फ्यूज़न में होंगे कि अभी भी है, अभी कोई राष्ट्रीय खेल हमारा डिसाइड नहीं है, लेकिन जहाँ ऑप्शन आएगा वहाँ लगाइएगा। राष्ट्रीय पक्षी जो है हमारा मोर है, पाओ क्रिकेटर जिसे बोला जाता है मोर। राष्ट्रीय पशु, जो राष्ट्रीय पशु दे रहा है इनमें से सुमेलित नहीं है, जो राष्ट्रीय पशु दे रहा है ये शेर को दे रहा है, और राष्ट्रीय वृक्ष दे रहा है अशोक को। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें सस्पेंस, राष्ट्रीय वृक्ष ठीक यहाँ पर भी है और यहाँ राष्ट्रीय पशु पर भी है। आपको मुझे बताना है कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है कि शेर है। ठीक, ये दो ही ऑप्शन है आपको लगाना है। और यहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अशोक का पेड़ है कि बरगद का पेड़ है, ये आपको बताना है। ठीक ठीक, ये 9th क्वेश्चन आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आपको ये बताना है इसका आंसर, 9th लिख कर उसका आंसर लिख देना है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जिस तिथि को मनाया जाता है उस तिथि को हमारे महान मतलब कि संत विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, महान व्यक्तित्व वाले, जो कि शिकागो सम्मेलन 1893 में भी ये भाषण दिए थे। कहाँ पर दिए थे, तो शिकागो अमेरिका में स्थित है, वहाँ पर दिए थे, धर्म सम्मेलन हो रहा था पूरे विश्व में। ये राष्ट्रीय युवा दिवस उन्हीं की तिथि पर मनाया जाता है, ये जब मनाया जाता है वो 22 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूरी है आपको याद करना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो रिपीट करता ही करता है क्वेश्चन, और ये लगातार बिहार पुलिस में रिपीट करते हुए क्वेश्चन आ रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या मनाया जाता है, ये 8 मार्च को। लेबर डे होता है जो, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक, और पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है जून में। ठीक, तो पर्यावरण दिवस ऑप्शन में दे रहा हूँ, 5 जून को मनाया जाता है, 6 जून को मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है, या 22 जून को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। अगर पता है तो बताइए, नहीं तो आप तो समझ ही गए होंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये 11 मई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विश्व श्रमिक दिवस, मैंने बोला लेबर डे ऊपर ही क्वेश्चन कराया था, जो विश्व श्रमिक डे मनाया जाता है ये 1 मई को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 1 मई को। एक लड़का ने बोला था कि सर आपने तो हिस्ट्री से करा दिया, सिविक्स से करा दिया, ज्योग्राफी से, आपको इकोनॉमिक्स से, साइंस से, मैथ, रीजनिंग सब करा दिए, बट सर आप विविध से क्वेश्चन नहीं कराए। तो मुझे भी लगा कि नहीं सही बोल रहे हैं, अगर विविध से क्वेश्चन आप लोगों को आ जा रहा है, जैसे पहला कौन है, दूसरा कौन है, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है या दिवस के रूप में, आखिर कहाँ से क्वेश्चन कीजिएगा। इसलिए मैंने सोचा कि 200 क्वेश्चन विविध से ही मैं कराऊँ, और वो क्वेश्चन कराऊँ जो विविध में भी है,
और आपके सब्जेक्ट में भी है और अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस भी है, और वो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। मैं ये 200 क्वेश्चन करा देने के बाद मैं प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी दो शिफ्ट का क्वेश्चन 2010 का भी क्वेश्चन छुटा हुआ है, अभी मैं उसका भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बाकी आपका क्वेश्चन 17 तक हो चुका है, बस 2010 का छुटा हुआ है, वो क्वेश्चन मैं जल्दी कराऊंगा, ठीक। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कहां से क्वेश्चन लिया है और कहां आपका क्वेश्चन आता है और कहां से आप पकड़ सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, हम लोगों के भारत में जनसंख्या जो जनगणना होता है वो 1872 में शुरुआत किया गया था प्रथम बार, लेकिन 1881 से प्रति 10 वर्ष में हम लोग का होता है जनसंख्या गणना, जो कि केंद्र सरकार के विभाग करता है, सीओसो करता है। और ये जो है हर एक 10 साल में होता है। 2011 में जनगणना हुआ था जिसमें बताया गया था कि बिहार जो है वो जनसंख्या के दृष्टि से यूपी सबसे बड़ा है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद बिहार आता है, तीसरे स्थान पर आता है। और हमारा क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर रैंक पूछा जाए तो 13वें स्थान पर आते हैं, पहले 12वें स्थान पर थे, लेकिन 2 जून 2014 को जब तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से कटकर बन गया उसके बाद हमारा रैंक आगे बढ़ गया और हम लोग 13वें स्थान पर हो गए हैं, ठीक। अब अगर आपसे पूछा है सबसे जनसंख्या घनत्व वाला में सबसे कौन सा है, तो वो बिहार ही होगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। सक्षरता दृष्टि से सबसे कम कौन है, बिहार ही है, बहुत यहाँ पर सक्षरता दृष्टि से कम है, सबसे ज़्यादा केरल है, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आप आसानी से याद रख सकते हैं, जनसंख्या का एक ही मोटो है, हम दो और हमारे दो। हम दो हमारे दो मीन्स कि एक लड़का या एक लड़की, या एक लड़की या एक लड़का, या जो भी। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, ये एक लड़का या एक लड़की, या एक लड़का या एक लड़का, मीन्स कि दोनों लड़का ही या दोनों लड़की ही, मीन्स कि 11 कोई भी हाल में ये दो बन रहा है, 11 बन रहा है, मीन्स कि 11 जुलाई आप आसानी से याद कर सकते हैं कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब खेल के बारे में हम लोग देख लेते हैं, खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये जितना भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम में आया हुआ है और आता है, बार बार रिपीट करता है। जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये कब मनाया गया था, मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये जो हमारा मनाया जाता है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। विश्व पर्यावरण दिवस क्वेश्चन आ ही गया, मैंने ऊपर पूछा गया, निश्चय क्वेश्चन आ ही गया। ये 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 जून को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अपनी ये सब क्वेश्चन को देख कर खुश हो जाइएगा, क्योंकि जो विज्ञान खेल जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस, सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, जो शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म उपलक्ष्य में, आप जानते हैं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन भी होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, और प्रत्येक साल ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है 10 दिसंबर को। जो 1 दिसंबर है और 2 दिसंबर है, कंप्यूटर सक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं कि गीत गोविंद के रचयिता है, जो गीत गोविंद है उसके रचयिता कौन है। तो जयदेव दिया है, भर्तहरि दिया है, और विशाखादत्त दिया है। तो ये जयदेव जो है वो रचयिता है किसका, तो गीत गोविंद का रचयिता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिंदी में भी आ सकता है, अब हिस्ट्री में भी आ सकता है, और विविध में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो आंसू, लहर और कमायनी आप पढ़े होंगे, तीनों का तीनों पढ़े होंगे, ये तीनों क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। कुली, कुली मूवी भी है, आप देखे होंगे अमिताभ बच्चन का। कुली जो है ये लेखक है, कुली किसका है, कुली जो है ये कुली के लेखक कौन है। तो कुली के लेखक जो है वो मुकुल राज आनंद है, मुकुल राज आनंद का बहुत अच्छा पुस्तक है कुली, ठीक। ब्रेकिंग विंग, ब्रोकन विंग, ब्रोकन विंग जो है, या विंग्स ऑफ फायर एक होता है, विंग्स ऑफ फायर के कौन है, तो ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी है विंग्स ऑफ फायर में, ठीक। और ब्रेकिंग विंग की लेखिका कौन है, ब्रोकन विंग, तो ब्रोकन विंग का जो लेखिका मिस की है ये सरोजनी नायडू है। कौन है, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, सरोजनी नायडू जो है वो भारत की पहली महिला है जो राज्यपाल बनी थी किसी भी राज्य का, मीन्स की सरोजनी नायडू जो है वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। तो ऐसे पूछ सकता है कि पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू, और सुचिता कृपलानी पहली महिला ऐसी थी जो बनी थी मुख्यमंत्री, वो भी यूपी के ही बनी थी। सरोजनी नायडू का आप क्वेश्चन से क्वेश्चन घुमा कर आ सकता है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी भारतीय अगर पूछता है तो बनी थी, लेकिन अगर नहीं पूछता है, पूछता है कि प्रथम भारतीय मीन्स की प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, भारत के कांग्रेस जो 1885 में बना था, जो महिला थी वो एनी बेसेंट थी,
लेकिन अगर पूर्णतः भारतीय दे तो वो क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू वहाँ पर भी हो जाएगा। इंदिरा गांधी हमारी प्रथम प्रधानमंत्री थी, क्या थी, प्रथम प्रधानमंत्री, कौन प्रधानमंत्री, महिला प्रथम प्रधानमंत्री। ऐसे तो प्रथम प्रधानमंत्री इनके पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। मीन किफ किसकी रचना है, मैं पढ़ा भी हूँ, बहुत अच्छा बुक पुस्तक है और महान आप समझ सकते हैं शासक। मीन किफ हिटलर की है, किसका है, हिटलर का जीवनी है, जेल में ही बंद थे तो ये मीन किफ नाम के पुस्तक लिखे थे, ठीक, ये याद रखिएगा। पैराडाइज लॉस्ट की रचयिता कौन है, पैराडाइज लॉस्ट जो है ये बुक है, बहुत अच्छा बुक है, इसकी रचयिता जॉन मिल्टन है, कौन है, जॉन मिल्टन है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर के प्रसिद्ध पुस्तक, विज्ञानी की आत्मकथा है, आ गया क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर, मैंने ऊपर ही बताया था आपको विंग्स ऑफ फायर के बारे में। ये हमारे भूतपूर्व मीन्स के राष्ट्रपति जो कि अब तो देहांत भी हो चुका है, भारत रत्न से भी सम्मानित है, ये कौन है, तो ये APJ अब्दुल कलाम आज़ाद है, जिसे मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी, ठीक। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास, अब TV पर सीरियल भी बहुत दिन पहले आता था, कभी कभी याद आ जाता है कि चंद्रकांता नाम की एक सीरियल आता था, चंद्रकांता एक आत्मकथा या कहानी कर आता था दूरदर्शन पर। तो ये प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है, दे देता है चंद्रकांता के लेखक, तो ये देवकीनंद खत्री है, कौन है, देवकीनंद खत्री, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विवादित किताब सटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है। सटेनिक वर्सेज जो है ये पाकिस्तान का राइटर है और उनको पाकिस्तान से फिर निकाल दिया गया था, वो फिर वहाँ के सिटीजन नहीं रहे और बहुत इन पर हमला भी किया गया था, ये छोड़कर चले गए थे। ये बुक लिखे थे विवादित किताब सटेनिक वर्सेज, और ये बहुत महान मतलब राइटर हैं, और ये कौन सा बुक था, सलमान रशदी, इनका ही बुक है सटेनिक वर्सेज। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में सयुग्म सत्य है, इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सत्य है, ठीक। तो निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, तलस्मी नसरीन लज्जा, तस्लीमा नसरीन लज्जा, उपरोक्त में से सभी। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन से सत्य, तो अनहैप्पी इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे, और लज्जा जो लिखा है तस्लीमा नसरीन ने लिखा है, उपरोक्त में से सभी सही है, याद रखिएगा। ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है, ईस्ट तिमोर जो है एक देश है, इसकी राजधानी क्या है, तो दिल्ली है, दिल्ली है। सेशल्स जो है हमारा मित्र है, सेशल्स की राजधानी क्या है, सेशल्स, इसका भी पूछ देता है, एक तो विक्टोरिया इसकी राजधानी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है, हो जाएगा। यूरो कहाँ की मुद्रा है, यूरो जो है वो कहाँ की मुद्रा है, यूरोपियन में भी यूरो जो यूरोपियन देश है वहाँ भी इस्तेमाल होता है, तो स्पेन जो कि यूरोपियन देश में आपको यूरो इस्तेमाल करता है, तो यहाँ का है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न देशों में कहाँ मुद्रा यूरो है, ये देखिए ये भी पूछ रहा है कि इसमें से कहाँ पर देश का मुद्रा यूरो है, पुर्तगाल में भी चलता है, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, तो ये सभी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सभी हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन देश ऐसे बहुत से हैं जो यूरो का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ये सब हो जाएगा। कोडोर कहाँ की राजधानी है, जो कोडोर है वो कहाँ की राजधानी है, वो पलाऊ की राजधानी है, कोडोर जो है वो पलाऊ की राजधानी है, ठीक, तो इसका बी हो जाएगा। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है, रुपया, रुपया जो है, एक रुपया नामक सिक्का सबसे पहले शेर शाह सूरी ने चांदी के रुपया नामक सिक्का स्टार्ट किया था, ये शेर शाह सूरी जिनका मकबरा सासाराम में है, ये भी याद रखिएगा। तो किस देश की मुद्रा रुपया है, ये पूछ रहा है आपसे, ये जो है ये मालदीप में भी, मॉरिशस और सेशल्स, यहाँ पर भी रुपया ही, इंडियन भी रुपया इस्तेमाल होता है, तो ये सभी हो जाएगा। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, और ये जो है ना मॉरिशस हुआ, सेशल्स हुआ, कुछ देश में हिंदी का भी बोलबाला है, हिंदी भी वहाँ पर बोला जाता है, ठीक, तो 35 का आंसर डी हो जाएगा इसमें। प्रोटोरिया किस देश की राजधानी है, जो प्रोटोरिया है वो किस देश की राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, ठीक। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का, और भी दो मेन राजधानी माना जाता है, मेन मान लीजिए जगह है, ठीक। USA की मुद्रा क्या है, जो USA है उसकी मुद्रा क्या है, तो आप जानते हैं क्या है, डॉलर है, सिंपल सी बात है, USA डॉलर, सबका जो व्यापार होता है USA डॉलर में ही होता है, तो ये डॉलर है वहाँ पर USA का, ठीक। सुवा किस देश की राजधानी है, जो सुवा है वो किस देश की राजधानी है, तो फिजी की राजधानी क्या है, सुवा है, ठीक। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि रूबल कहाँ की मुद्रा है, जो रूबल है वो कहाँ की मुद्रा है, तो जो रूबल है वो है रूस की मुद्रा, कहाँ की है, रूस की मुद्रा है। 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टाका कहाँ की मुद्रा है, मुद्रा है टाका, टाका बांग्लादेश में वो होता है टाका, तो
39 के आंसर, आप सी लगाइएगा। सी जो यहाँ पर देखिए, रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की, जनसंख्या की दृष्टि से चाइना पड़ जाता है सबसे बड़ा देश, उसके बाद भारत आता है जनसंख्या की दृष्टि से, भारत दूसरे स्थान पर आता है पूरे विश्व में। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय है, रोबोट से ये सर्जरी किए थे, ये सबसे पहले भारतीय बने थे, ये AK हेमेल है। के कौन है? 40 के आंसर क्या हो जाएगा? AK हेमेल है, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर है, जो हृदय जो प्रत्यारोपित किया गया था वो पहला है, तो ये वी वेणुगोपाल जो थे पहले डॉक्टर बने थे हृदय प्रत्यारोपित करने वाले। भारत के पहले फील्ड मार्शल थे, भारत के पहले फील्ड मार्शल पूछ देता है, तो ये जनरल मानेकशॉ थे, फील्ड मार्शल थे, ठीक, प्रथम फील्ड मार्शल थे ये, कौन? मानेकशॉ। और मानेकशॉ का आप नाम सुने होंगे कि 71 की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, जो कि बांग्लादेश बना था अलग टूट कर। तो 42 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक, वो उसमें जो भारतीय का पहला न्यायाधीश बना था वो पूछ रहा है कौन है? तो नगेंद्र सिंह थे। कौन थे? नगेंद्र सिंह थे। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है, जो नोबल पुरस्कार प्राप्त, अभी नोबल पुरस्कार से भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है आपको, तो नोबल पुरस्कार से जितना भी हो सकता है वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकता है नोबल पुरस्कार से। नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है, नोबल पुरस्कार जितना मिला होगा इस साल में, साहित्य के क्षेत्र में नहीं मिला है नोबल पुरस्कार, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। साहित्य के क्षेत्र में मिला नहीं है कि आपको आपको ये बताना है कि साहित्य के क्षेत्र में नहीं मिला है कि शांति के क्षेत्र में नहीं मिला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसके क्षेत्र में नहीं मिला है, शांति या साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि कन्फ्यूज़ आप हो ही जाइएगा, ठीक। तो साहित्य के क्षेत्र में तो दुख बुक का नाम आता ही है, आप पता कीजिएगा कि शांति के क्षेत्र में किसको मिला है और साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है, मीन्स कि इसमें से कौन नहीं मिला है, आप कन्फ्यूज़न हो जाइएगा। दोनों क्वेश्चन मैंने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ही क्वेश्चन देखकर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस क्षेत्र में नहीं मिला है, ठीक। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो जरूर देख लीजिएगा, नोबल पुरस्कार जरूर देखिएगा, भारत रत्न रिसेंट में 3 लोगों को मिला है वो देख लीजिएगा, ठीक, तो ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है, तो जो नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है ये दे रहा है क्वेश्चन, ये कौन थे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, गीतांजलि के लिए मिला था, 1913 में सबसे पहले मिला था, ठीक, याद रखिएगा। सीवी रमन को भी मिला है, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला है, भारत रत्न भी मिला था, और अरविंद खुराना को भी जीन संश्लेषण के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार बायोलॉजी के क्षेत्र में मिला था चिकित्सा में। तो 44 का आंसर जो होगा वो बी होगा, और बाकी हम लोग करते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपात्र का परीक्षण किया था? सबसे पहले जो प्रक्षेपात्र का परीक्षण करने का श्रेय जाता है भारत का, वो पृथ्वी मिसाइल, आप जानते हैं पृथ्वी मिसाइल बहुत आ गया, पृथ्वी 5 भी आ गया, फिर भी 6 भी, तो ये बहुत दूर तक मार करने वाला मिसाइल है, तो प्रक्षेपात्र है, तो ये ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो जो फैक्ट है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है वो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के देहांत हो चुका है, मर चुकी है, इंदिरा गांधी थी, ये राजीव गांधी के पिताजी थे, और इंदिरा गांधी के जो पिता थे वो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक, बहुत दिनों तक रहे थे अपने पद पर आते हुए ही मृत्यु हुआ है। तो इंदिरा गांधी जो है ये थी प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत के, और यहाँ पर देखिए रजिया सुल्तान जो थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिस की बेटी थी, 36 से 40 में ये अपना की थी, जो कि सल्तनत काल में, तो जो रजिया सुल्तान थी 4 साल तक की थी ये सब, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिस की बेटी थी, रजिया सुल्तान जो ये प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी, याद रखिएगा भारत का। तो 36 का 46 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 46 का, और ये जो हो जाएगा, नहीं 46 का माफ़ कीजिएगा, 46 का जो होगा वो सी होगा ना, प्रधानमंत्री पूछ रहा है, अगर मुस्लिम शासिका पूछता तो वो रजिया सुल्तान होती, ठीक, तो 46 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, विश्व में अब पूछ रहा है, देश भी पूछ देता है कि विश्व में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो ये जो विश्व की सबसे पहली थी ये श्रीलंका की ही बनी थी प्रधानमंत्री, और एस भंडारनायके थी, ये कौन थी? एस भंडारनायके, तो ये प्रथम महिला बनी थी प्रधानमंत्री। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो श्रीलंका है ये पाक जल डमरू मध्य से भारत और इंडिया से अलग होता है, ठीक, भारत में श्रीलंका और इंडिया के बीच पाक जल डमरू मध्य है, भारत या इंडिया दोनों आर्टिकल 1 में दिया है भारतीय संविधान में, ये दोनों नाम है भारत का, भारत या इंडिया दोनों लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 के चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री था, जो चंद्रमा पर है जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था ये पूछ रहा है, किस देश का था, तो ये तो अमेरिका का था। और जो उतरने वाला ये सबसे पहला था ये नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, याद रखिएगा। यूरी गागरिन ये था, ये प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला था, यूरी गागरिन, ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 के दक्षिण ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? जो दक्षिणी ध्रुव है, जैसे कि पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी हुआ, ये हुआ उत्तरी ध्रुव और ये हुआ दक्षिणी ध्रुव, ठीक, ये हुआ विषुवत रेखा जो बीचों बीच से पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा बोला जाता है, ये हुआ कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर आता है अक्षांश रेखा, ये हुआ मकर रेखा, ये 65.5, ये 65.5 ऊपर, ठीक, और ये 90-90 हो जाता है, तो यही उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है। तो दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम जो व्यक्ति था वो था एमंडसेन था, एमंडसेन थे, ठीक, तो एमंडसेन आप याद कर सकते हैं, 49 का आंसर भी हो जाएगा, ठीक। रॉबर्ट पियरी जो थे ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले थे, उत्तरी ध्रुव पर, ये याद रखिएगा। विश्व में के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में स्थित है, जिसकी लंबाई 8,850 मीटर है और ये सबसे ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये पर्वत शिखर, और इस पर सबसे पहले जो पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम है जो विश्व में, ये है एडमंड हेलरी, एडमंड हेलरी जो थे ये सबसे पहले पहुंचे थे। बछेंद्री पाल इंडिया के थे, ये भी याद रखिएगा, बछेंद्री पाल जो थी इंडिया की थी प्रथम महिला जो चढ़ी थी। संतोष यादव दो से तीन बार मतलब की चढ़ी हुई है जिस पर, एवरेस्ट पर, ठीक। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एडमंड हेलरी, हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए, उनमें से भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड की खिताब जीता था? मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स अभी मानुषी छिल्लर को पिछले ही कुछ मतलब एक साल पहले ही मिला था, तो मिस वर्ल्ड जो है खिताब जीता गया था, मिस यूनिवर्स भी एक खिताब होता है, तो मिस जो वर्ल्ड है ये सबसे पहले रीता फारिया को मिला था। किसको मिला था? भारत के सबसे पहले रीता फारिया को मिला था, याद रखिएगा, ठीक। सबसे पहले मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, अब मिस यूनिवर्स हो जाता है, ये सुष्मिता सेन थी, ठीक, एक्टर है, सुष्मिता सेन बन गई थी, ये सुष्मिता सेन थी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहली महिला है, जो भारत रत्न से सम्मानित हुई थी ये पहली महिला कौन थी? जो भारत रत्न जो दिया जाता है, विशेष बहुत बड़ा लोगों को दिया जाता है, मीन्स की बहुत ऊंचे लोग, कद वाले ऊंचे लोग, मीन्स की ऐसे नहीं हाइट वाले बड़े लोग नहीं, मीन्स की बहुत अच्छे काम किए हों अपने समाज को आगे बढ़ाने में। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला जो थी वो थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, याद रखिएगा, ठीक। और विदेशी ऐसी महिला जो है मदर टेरेसा है, जिसे मिला गया था मदर टेरेसा, अगर ऐसे पूछता है कि जो वो विदेशी जो को मिला गया है, दिया गया है भारत रत्न, तो मदर टेरेसा को भी दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान को भी दिया गया है, लेकिन ये पूरे इंडियन हो चुकी थी ये मदर टेरेसा, ये भी याद रखेगा। इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है मदर टेरेसा को। तो 53 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो सर्वप्रथम जो विदेशी हैं उन्हें सम्मानित करने का श्रेय जो जाता है सर्वप्रथम, वो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। क्या? सीमांत गांधी से, ये पाकिस्तान से थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय था, जो मैग्सेस अवार्ड मिला था ये सबसे पहले पाया गया था, ये किसको मिला था? मैग्सेस अवार्ड जो है ये फिलीपींस देता है, मैग्सेस एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। मैग्सेस अवार्ड जो है ये फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे महान मैग्सेस, और रमन मैग्सेस के नाम से थे, वह उन्हीं के याद में दिया जाता है। और ये जो दिया गया था भारत प्रथम भारतीय, ये विनोबा भावे थे। अभी फिलहाल भी दिया गया है दो लोगों को, एक तो 3 इडियट में जो वो थे जिनके एक्टिंग किए थे ये आमिर खान किए थे जिनके, और एक और लोग को दिया गया है, और दोनों आपको याद कर लेना है, मुझे जैसे ही आता है मैं आपको मतलब कि ये करेंट अफेयर में कराने की कोशिश करूँगा, जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक। 55 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव जो प्राप्त है वो भी नेहरू खानदान से ही आती है, और वो जवाहरलाल नेहरू की बहन है, और उनका नाम है विद्या लक्ष्मी पंडित, ठीक। याद करने का बहुत आसान तरीका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरू में पंडित लगाते थे, और ये विद्या लक्ष्मी पंडित लास्ट में लगाती थी पंडित, तो पंडित याद रख लीजिएगा, आप याद हो जाएगा, ये इनकी बहन थी जवाहरलाल नेहरू की। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये महिला सभापति बनी थी प्रथम यूएन में। क्वेश्चन नंबर 57 की भारत की पहला प्रथम महिला शासक कौन थी? आ गया क्वेश्चन घुमा फिरा कर,
जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम महिला जो शासक थी वो कौन थी। ठीक, तो 57 का आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, इल्तुतमिस की बेटी थी। ठीक, याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको, ये कौन सी, तो गुलाम वंश या मामूलिक वंश से संबंध रखती थी। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 के प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा में जो स्थित है ये जैन मंदिर है। ठीक, अवस्थित है ये कहाँ पर स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के कहाँ पर अवस्थित है, तो ये जो सबसे ऊंची पर्वत है। ठीक, तो ये जो है स्थित है चोटी है ये माउंट आबू पर स्थित है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, 58 का ए। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है, जो वृंदावन गार्डन है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये मैसूर में स्थित है। ठीक, बहुत लोग मथुरा मार देंगे लेकिन ये कहाँ पर स्थित है, ये मैसूर में स्थित है। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है, जो शालीमार बाग है ठीक ये कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन है, ये श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। याद रखिएगा शालीमार बाग, 60 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब दार्जिलिंग भी याद रखिएगा, दार्जिलिंग कहाँ स्थित है। ठीक, तो दो दार्जिलिंग है ये आता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल जो है हमारा स्टेट उसमें आता है, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं असम स्थित, नहीं ये असम वाला क्षेत्र के नज़दीक स्थित है, लेकिन ये आता है क्या, पश्चिम बंगाल में आता है। और दार्जिलिंग टी जो है इंडिया का सबसे फेवरेट टी माना जाता है, विश्व प्रसिद्ध टी है दार्जिलिंग टी। ठीक, उसे टैग भी दिया गया है भारत सरकार द्वारा। और जो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है वो पूछ देगा किस राज्य में, तो वो असम लिखिएगा, ये याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है, जो राजघाट है वो किसका समाधि स्थल है, तो हमारे महात्मा गांधी जी का है। ठीक, किसका है, महात्मा गांधी जी का। जगन्नाथ मंदिर स्थित है, जो जगन्नाथ मंदिर है इसे व्हाइट पोगेटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जो कोणार्क मंदिर है उसे ब्लैक पोगेटा, और व्हाइट पोगेटा किसे, तो जगन्नाथ के पुरी मंदिर। पुरी कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, पुरी से ही अभी संबित पात्रा ने चुनाव भी लड़ा था, आपको पता है हार गए थे लोकसभा में, जो कि बीजेपी का प्रवक्ता है। ठीक, तो जगन्नाथ मंदिर जो स्थित है वो पुरी में है, उड़ीसा में, जिसे व्हाइट पोगेटा के नाम से जाना जाता है। और जो ब्लैक पोगेटा के नाम से जाना जाता है, कोणार्क मंदिर है, सूर्यदेव का मंदिर है कोणार्क, वो भी उड़ीसा में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। देखिए आ गया ब्लैक पोगेटा प्रसिद्ध मंदिर है, ये आ गया ना क्वेश्चन, तो ब्लैक पोगेटा के नाम से किसे, तो ये कोणार्क के उड़ीसा के मंदिर, जो सूर्यदेव के नाम मंदिर है, सूर्य देवता का उनका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 है कि शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है, जो शांति निकेतन है वो किस महापुरुष से संबंधित है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर से है। किससे है, रविन्द्रनाथ टैगोर से है। ठीक, याद रखिएगा ये हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को वृद्ध पुरुष भी बोला जाता है, सबसे पहले इन्हीं ने पता लगाया था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मतलब आय कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितना है। और ये बहुत से सिद्धांत भी दिए थे, जिसमें से मुख्य सिद्धांत है कि भारत से कैसे अंग्रेज यहाँ के वेल्थ जो है लूट कर ले जा रहे हैं, बुक भी लिखे हुए हैं इन पर। क्वेश्चन नंबर 65 है कि वाटरलू का संबंध है, जो वाटरलू है उसका संबंध किससे है, तो वाटरलू के युद्ध भी आप सुने होंगे, वाटरलू का जो संबंध होता है वो है नेपोलियन से। किससे है, नेपोलियन से, बहुत महान शासक थे नेपोलियन, अपने इतना एनर्जी भर देते थे ना अपने सैनिकों में कि वो कहीं भी कितना भी पहाड़ पर्वत पार करना हो पार कर लेते थे। ठीक, फ्रांस से थे। तो ये 65 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 66 है कि असम राज्य का नया नाम क्या है, जो असम है, असम हो गया इसका नाम, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए असम दे रहा है, तो ये 66 का आंसर आप लगाइएगा, असम राज्य का नया नाम। मुझे नहीं पता यार, मतलब सच में यह कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा आपके असम राज्य का नया नाम, ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि उस समय क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ये छोड़ ही दीजिए, इसके जगह पर मैं आपको अलग से क्वेश्चन करा देता हूँ असम से। ठीक, असम राज्य जो है, असम में अभी NRC वाला एक आया था, क्वेश्चन आया था जैसे कि क्लैट में एग्ज़ाम में आता था, या आपको BHU LLB भी दिए होंगे, तो NRC वाला आया, NRC जो होता है, जैसे कि जो बांग्लादेश से लोग आ गए हैं असम में उन्हीं के ये हो रहा है, तो ये अगर पूछा जाए कि कहाँ से है तो ये असम से आप लगाइएगा। ठीक, असम में दो पार्क महत्वपूर्ण हैं, मैं तो ये आपको पर्यावरण में करा चुका हूँ फिर भी करा रहा हूँ कि आप याद रखिएगा, मानस और काजीरंगा, डिब्रू साइकोवा, ये सब जो पार्क हैं ये स्थित है वहाँ पर ही, जो नेशनल पार्क है असम में स्थित है असम। ठीक, और असम की राजधानी जो है दिसपुर है, और ये याद रखिएगा। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, 66 देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 67 है कि कांगो का परिवर्तित नाम क्या है, जो कांगो है उसका परिवर्तित नाम पूछ रहा है कि बदला गया था, ये जो है ये जायरे है, कांगो का परिवर्तित नाम क्या है, जायरे है 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 है कि बेंगलोर शहर का नया परिवर्तित नाम क्या है, बेंगलुरु। ठीक, बेंगलोर शहर का जो परिवर्तित नाम है ये बेंगलुरु है, याद रखिएगा। ठीक, पश्चिम बंगाल भी अपना नाम बदलने के लिए ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 69 है कि फरमोसा किस देश का पुराना नाम है, जो फरमोसा ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो ताइवान का, चाइना के निकट स्थित है ताइवान। ठीक, ये फरमोसा के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता है, पूर्व में श्याम, पूर्व का श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता है। ठीक, तो ये जो है ये थाईलैंड है, थाईलैंड हाथी के लिए भी प्रसिद्ध है, यूनिक टूरिस्ट प्लेस है, ये भी याद रखिएगा, ये थाईलैंड है। घाना का पुराना नाम क्या है, जो घाना है उसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। ठीक, याद रखिएगा, 71 का सी हो जाएगा। अबिसिनिया किस देश की पुराना नाम है, जो अबिसिनिया है इस किस देश का पुराना नाम है, इसका नाम अबिसिनिया था पहले। ठीक, तो ये इथोपिया का नाम है अबिसिनिया। ठीक, 71 का आंसर बी हो जाएगा। कंपुचिया का नया नाम क्या है, कंपुचिया जो है इसका नया नाम पूछ रहा है क्या है, तो ये जो हो जाएगा ये कंबोडिया हो जाएगा, कंपुचिया कंबोडिया, याद रखिएगा। कार्टेस किस देश का संसद को कहते हैं, कार्टेस जो है संसद के देख लेते हैं हम, कौन कहाँ के क्या संसद है, तो जो कार्टेस किस देश की संसद को हम लोग कहते हैं, तो जो कार्टेस कहा जाता है ये स्पेन की संसद को कहा जाता है। ठीक, स्पेन की संसद को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेस बोलते हैं। जापान की संसद को क्या बोला जाता है, जो जापान है इसके संसद को क्या बोला जाता है, ये डायट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डायट बोला जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76 के भारत के सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है को कहा जाता है, जो भारत का सरकारी दस्तावेज हो जाता है, जो तथ्य मीन्स के फैक्ट के सहित प्रकाशित किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, ग्रीन बुक, व्हाइट बुक, व्हाइट पेपर, ऑरेंज बुक, ये क्या बोला जाता है। ठीक है, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें से ऐसे, इसे व्हाइट पेपर बोला जाता है। ठीक, व्हाइट से आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सरकारी दस्तावेज जो भी आता है व्हाइट पेपर पर आता है, तथ्यों को सहित आता है, तो व्हाइट पेपर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ है, ऊपर मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कहाँ से लिया गया है, और जो ये राष्ट्रीय चिन्ह है ये अशोक चक्र है। ठीक, ये क्या है, अशोक चक्र है। ठीक, कहाँ से लिया गया है, सारनाथ थे अशोक जो सिंह स्तंभ है वहाँ से लिया गया है, 77 का ये हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किस नाम से जाना जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है इसका निर्धारण रेड क्लिफ ने किए थे, और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि खून का रिश्ता है भारत और पाकिस्तान में, और रेड मीन्स क्या होता है, लाल होता है। ठीक, तो रेड क्लिफ के नाम से ऐसे भी ट्रिकली याद कर सकते हैं आप, किए थे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा किस नाम से जाना जाता है, तो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा है, जो मैकमोहन रेखा है आप याद कर सकते हैं कि जैसे कि जब महात्मा गांधी थे तो उस समय चाइना और इंडिया का रिलेशन अच्छा था, तो मैकमोहन मीन्स की ऐसे भी आप ट्रिकली आप जो भी बैठा सकते हैं, तो ये किसके किसके बीच है, तो भारत और चीन 1914 में ही ये निर्धारित किया गया था, तो भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा, तो ये 79 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, 16 किस देश की संसद को कहा जाता है, जो 16 है वो किस देश की संसद को बोला जाता है, ये दे रहा है क्वेश्चन, तो ये अफगानिस्तान के संसद को बोला जाता है, और अफगानिस्तान के संसद पार्लियामेंट बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है, इंडिया का फ्रेंडशिप कंट्री है ये अफगानिस्तान। ठीक, तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कि चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो चांद तारा है आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दोनों देश जो हैं वो काफ़ी मित्रता है, और दोनों इस्लामिक कंट्री भी है, और दोनों देश में काफ़ी मित्रता चलता है, मीन्स कि वो एक दूसरे के साथ में आते हैं। ठीक, ये दोनों इंडिया के अगेंस्ट में भी बात करते हैं। ठीक, ये चांद तारा किस देश के, एक तो चांद तारा तो हरे पर दिखाई देता है, वो तो आप पाकिस्तान लगा ही सकते हैं असम, लेकिन ये तुर्की भाई राष्ट्रीय प्रतीक भी चांद तारा है, तो दोनों हो जाएगा बी और सी, इससे यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है, जो राष्ट्रीय पंचायत होता है ये कहाँ के संसद को बोला जाता है, तो ये नेपाल का, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है तो नेपाल को बोला जाता है। इसराइल के संसद को कहा जाता है, ये भी हमारा फ्रेंडशिप कंट्री है, ये नेसेट कहा जाता है, इसराइल के संसद को क्या कहा जाता है, 83 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नेसेट कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, डांस से कथकली कहाँ के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जो कथकली है आप क से याद कर सकते हैं, कथक जिसकी कत्था लगाकर मैंने पहले ट्रिक बताया था आपको, ये केरल हो जाएगा कथक। ठीक, ये हो जाएगा केरल। अब यहाँ से ऐसे हो सकता है कि कली, जो फूल वाला कली होता है, लौंग, लौंग का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, केरल में होता है। ठीक, तो वहीं कली,
कली के लौंग का कौन वाला भाग खाया जाता है, कली वाला भाग खाया जाता है, भ्रूण कली वाला, ठीक। तो ये जो है कथक कली, यहाँ से आप कली से जोड़ सकते हैं कि ये कहाँ के डांस है, तो केरल का डांस है। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम बहुत प्रसिद्ध डांस है। भारतनाट्यम कहाँ का डांस है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। तो भारतनाट्यम याद रख सकते हैं कि भरतनाट्यम, भारत नहीं, भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। 85 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। गरबा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है, जो गरबा होता है ये किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है, ये गुजरात में होता है, गरबा दांडिया ये सब क्या होता है, गुजरात में होता है, ठीक। मोहिनीअट्टम मोह लेता है, मोहिनीअट्टम किस देश की राज्य, किस कहाँ की है, तो मोहिनीअट्टम भी देखते हैं कि आँख की तरफ एकदम इसे लगाकर काजल की तरफ पूरा एकदम ऐसे हाथ घुमा घुमा कर किया जाता है, आप देखेंगे शास्त्रीय ये नृत्य। तो ये भी कहाँ का है, तो ये भी केरल का है, ठीक। बिहू किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है, ये तो क्वेश्चन रिपीट करता है बिहार पुलिस में, फेवरेट क्वेश्चन है उसका। ये बिहू जो है ये असम का त्यौहार है, मीन्स के असम का है, असम का त्यौहार है, ठीक। तो इसका 88 का हो जाएगा ए, ठीक। ऑर्गेनिक खेती करने वाला प्रथम जो राज्य बना है, और ये पैसा भी देगा अपने जैसे राज्य के मतलब कि किसान है उनको भी, ये है सिक्किम, ये भी याद रखिएगा। सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सामा चकवा कहाँ का लोक नृत्य है, जो सामा चकवा है ये कहाँ का लोक नृत्य है, 89 का आंसर आप लगाइएगा। ये जो है ये बिहार का है, 89 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। बिहार में पर्व भी पूछ सकता है कि छठ जो पर्व है वो कहाँ का है, तो बिहार में मनाया जाता है, ठीक। उस्ताद बिस्मिल्ला खां संगीत किस विद्या से परामगत थे, ठीक। तो बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, तो बिस्मिल्ला खां जो किस संगीत के लिए जाने जाते यूपी से थे, तो ये जो 90 का आंसर आप लगाइएगा, क्या लगाइएगा, ये लगाइएगा आप शहनाई, जो बजाया जाता है ना शहनाई पे, वही शहनाई वादन के लिए बिस्मिल्ला खां प्रसिद्ध है। ये तो पढ़ने को भी आप 10th क्लास में 9th क्लास में मिलता है। शिव कुमार शर्मा संबंधित है, जो शिव कुमार शर्मा है वो संतूर वादन से संबंधित है, महान संतूर वादन है शिव कुमार शर्मा, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य की, कुचिपुड़ी किस राज्य के, इसे भी याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक। कुचिपुड़ी नाम से ही लग रहा है, ठीक। कुचिपुड़ी कहाँ का होगा, आंध्र प्रदेश का ही होगा, कुचिपुड़ी कहाँ के है, आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी डांस मणिपुर के है, उड़िया डांस उड़ीसा का है, ये भी याद रखिएगा। मणिपुरी डांस भी एक होता है, ढोलक ले लेकर कूद कूद कर नाचते हैं लोग, हम देखे हैं, ठीक। तो यही क्वेश्चन आज अमजद अली खां संबंधित है, जो अमजद अली खां है महान, वो किससे हैं, ये सरोद वादन से, ये किससे हैं, सरोद वादन से, याद रखिएगा। पंडित रविशंकर प्रसाद या पंडित रविशंकर संबंधित हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पंडित रविशंकर जी हैं ये भी सितार वादन से संबंधित है, किससे, ठीक। 94 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सितार वादन से। भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन थी, जो भारत में पूर्ण रूपे भारत में निर्मित हुई थी पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन थी, तो ये राजा हरिचंद्र थी, ठीक। कौन थी, राजा हरिचंद्र थी, याद रखिएगा। भारत में 1931 में बनी पहली शावक फिल्म थी, जो शावक फिल्म थी पहली बनी थी 1931 में, 96 का आंसर आप लगाइएगा, ये कौन थी, तो ये आलम मारा थी। 96 का आंसर क्या हो जाएगा आप लगाइएगा, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई, जो भारत में टेलीविजन है उसकी शुरुआत कब की गई, 97 आपको क्वेश्चन लगाना है, ठीक। तो ये लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि जो टेलीविजन की शुरुआत किया गया था भारत में, ये 15 सितंबर 1959 के शुरू किया गया था, ठीक। पहले सादा पर दिखाई देता, फिर रंगीन आया था, तो 15 सितंबर 1959 में ये स्टार्ट किया गया था। 97 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस हुआ, देखिए रंगीन टेलीविजन अब हो गया, तो जो रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किया गया था दूरदर्शन द्वारा, ये 98 का आंसर क्या हो जाएगा, 1982 में किया गया था, ठीक। एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, आराम से क्वेश्चन बस करते चलिए। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान, सर्वोच्च असैनिक सम्मान है, इसके सिर्फ सैनिक को ही नहीं दिया जाता है, असैनिक है, ठीक। ये सम्मान क्या है ये आपको बताना है, तो 99 का आपको आंसर लगाना है, ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, और ये कौन है, भारत रत्न है, याद रखिएगा। 1954 से इसका भी भारत रत्न विभूषण पद्म भूषण ये सब स्टार्ट 1954 से ही हुआ था, याद रखिएगा, आज़ादी के लगभग 7 साल बाद, और संविधान लागू के 4 साल बाद, 4 साल मतलब कि 54 में ही स्टार्ट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 100 है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है, ठीक।
किस क्षेत्र में सर्वोच्च खिलाड़ी को या खेलकूद के उत्कृष्ट परीक्षण के लिए या विदेशी में सर्वोच्च प्रदर्शन खिलाड़ी के ओलंपिक विजेता को। द्रोणाचार्य एक सिखाने वाले गुरु थे और ये खेलकूद के उत्कृष्ट परीक्षण जो सिखाते हैं उनको ही दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। आपका 100 क्वेश्चन हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से 101 से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। और ये आपका बोले थे मैंने पहले ही कुछ लंबा वीडियो होगा, आप इसे आसानी से 2-3 बार जरूर देखिएगा एग्जाम देने जाने से पहले, सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्न में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 लोगों को सबसे प्रथम सम्मानित किया गया था, ये तीनों लोग ऊपर दिया हुआ है आपका, ठीक, ये तीनों हो जाएंगे। लेकिन इसमें दे देता है कि सर्वप्रथम किसको सम्मानित किया गया था, ये श्री राजगोपालचारी को सम्मानित किया, कहीं कहीं राधा कृष्ण को भी दिया गया है, ठीक, लेकिन सी राजगोपालचारी ही आप लगाइएगा। 101 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अभी मूर्ति बनाई है, हमारे प्रथम जो थे गृह मंत्री थे या उप प्रधानमंत्री भी आप बोल सकते हैं, ठीक, ये थे। और ये इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी लगा है 597 फीट ऊँचा, और ये कहाँ लगा है, ये लगा जो है ये आपको सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में स्थित है वहाँ पर ऐसे ये लगा है, ठीक, यूनिटी ऑफ स्टैचू। क्वेश्चन नंबर 102 है कि प्रतिष्ठित नोबल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। जो प्रतिष्ठित नोबल पुरस्कार है वो 1901 में प्रारंभ किया गया था, कब, 1901 में, याद रखिएगा। 103 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। पहले पासी क्षेत्र में दिया जाता था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, ठीक। ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जब स्टार्ट किया गया, मैं इसके दिए जाने स्टार्ट किया गया था, ठीक, 1967 में मतलब किया गया था, लेकिन जो दिया जाना था प्रथम ये 1969 से स्टार्ट किया गया था, ठीक। तो नोबल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया, तो 1969 से। क्वेश्चन नंबर 104 है कि पराक्रम के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च स्वर पुरस्कार कौन है। जो पराक्रम के लिए दिया जाता है सर्वोच्च, वो परमवीर चक्र है। कौन है, परमवीर चक्र है, जो कि पराक्रम के लिए सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पाने वाला पहले भारतीय थे। ये ऑस्कर पुरस्कार इन्हें मिला था सबसे पहले, ये भानु अथैया थे, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 105 का आंसर आप लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्न में से कौन नोबल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं था। ये नोबल पुरस्कार विजेता है जो कि विजेता भारतीय नहीं था, इसमें से भारतीय नहीं है, ये तो आप जानते हैं, ऑर्न पामुक जो है ये भारतीय नहीं है, बाकी सी वी रमन, मदर टेरेसा, अमृत सेन जिसे आपको इन्हें दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में, इन्हें सबसे पहले फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था वेंकट रमन को, ठीक। 106 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला थी। साहित्य के क्षेत्र में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है, पाने वाली प्रथम महिला का नाम पूछ रहा है, ये कौन थी, ये जो थी आशा पूर्णा देवी थी। 107 का आंसर क्या हो जाएगा, 107 का आशा पूर्णी देवी, 107 के आंसर। 108 है क्वेश्चन कि विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला कलिंग पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जो विज्ञान के क्षेत्र में, ये भी दे सकता है कि कलिंग पुरस्कार, कलिंग वार से आप मत रिलेटेड कीजिएगा, जो अशोका द्वारा लड़ा गया था, ये कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, ये दे रहा है, ठीक। तो ये जो दिया जाता है 108 के आंसर क्या हो जाएगा, यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को जो कि वर्ल्ड हेरिटेज घोषित भी करता है, उसके द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 109 है, 109 है कि निम्न में से किसे वर्ष 1969 में सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को फिल्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के योगदान से ही सबसे पहला फिल्म आया था। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान जो किया जाता है ये 1969 से सबसे पहले जो दिया गया था, तो ये किसको दिया गया था, ये दे रहा है, तो ये देविका रानी को दिया गया था। किसको, देविका रानी को दिया गया था, याद रखिएगा, अभी का भी याद रखिएगा किसे दिया गया था इसके पिछले बार। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। जो साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार है, बहुत बड़ा पुरस्कार है, ये प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। मैंने बुकर पुरस्कार दिया जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो 110 के आंसर क्या लगाइएगा आप, 110 के आंसर क्या लगाइएगा, ये अरुंधति राय थी, ठीक, प्रथम भारतीय महिला थी जो कि मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित थी। तो 110 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 कि अंतर्राष्ट्रीय पुलितजर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय पुलितजर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पत्रिका के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार है, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि देश के सर्वोच्च स्वर पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था। सर्वोच्च ये पुरस्कार है, परमवीर चक्र सबसे पहले किसको दिया गया था, ये पूछ रहा है, ठीक। तो ये दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को, किसे, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है। जो मृणालिनी साराभाई है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो यह है भरतनाट्यम, जो कि कहाँ के हैं, तो ये तमिलनाडु का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर
114 है। देखिए यहाँ पर पहले देख लीजिए, भरतनाट्यम जो है ये कहाँ से, तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी मैंने बोला कहाँ से, आंध्र प्रदेश से है। यहाँ पर कथक, कथकली एक होता है, कथकली जो हो जाएगा वो केरल से, कली से आप केरल याद रख सकते हैं, और कथक जो हो जाएगा ये हमारे उत्तर प्रदेश में भी डांस किया जाता है, मणिपुरी, तो मणिपुर का डांस मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 114 है कि प्रसिद्ध नृत्यंगना संयुक्ता परिग्राही का संबंध किस नृत्य से है। तो ये परिग्राही जो है, संयुक्ता परिग्राही का नृत्य जो संबंध है ये किससे है, ये पूछ रहा है। तो ये जो है ये उड़ीसी डांस है, उड़िया, उड़ीसी डांस है। 114 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। महान शास्त्रीय नृत्य बिरजू महाराज का कथक से है, याद रखिएगा कथक से इनका है। क्वेश्चन नंबर 116 है कि सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है। जो सांबा है वो किस देश का है, तो ये ब्राज़ील का प्रमुख नृत्य है। किसका, ब्राज़ील का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 117 है कि पटवाड़ी एक पौराणिक व्याख्यात्मक संगीत है, किसका संबंध है। जो पटवाड़ी है वो किसका संगीत है, जो कि व्याख्यात्मक संगीत है, ये छत्तीसगढ़ से, किसका, छत्तीसगढ़ से, याद रखिएगा। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यक्षगान कहाँ का है, तो ये दे रहा है ये कर्नाटक में, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसे बीबीआई लगा लीजिए। यक्षगान कहाँ का है, तो कर्नाटक का है, ठीक। सितार एवं तबला का आविष्कार किसे माना जाता है। सितार और तबला या खड़ी बोली का आविष्कार भी बताया जाता है, इन्हीं ने शुरुआत किया था हिंदी खड़ी बोली। तो ये माना जाता है किसे, अमीर खुसरू को, किसे, अमीर खुसरू, याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 120 है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो कटक में स्थित है। कटक कहाँ, उड़ीसा, ठीक। तो ये केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कटक में है, ठीक। अब ये क्वेश्चन रहा 121, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉप कॉलेज कहाँ, स्टाफ कॉलेज कहाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉप कॉलेज कहाँ स्थित है, जो स्टाफ के लिए है। तो ये स्थित कहाँ है, तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में, ठीक। नेशनल डिफेंस अकेडमी स्थित है, जो नेशनल डिफेंस अकेडमी है, ठीक, ये कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो ये कहाँ पर है, ये खगड़शाला में स्थित है। कहाँ है, खगड़शाला में स्थित है, ठीक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। तो ये स्थित जो है ये पटियाला में स्थित है, ठीक। यहाँ पर है पटियाला में। 123 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 124 हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो भारतीय थल सेना के लिए भारी वाहनों का निर्माण करती है कहाँ स्थित है। ये जो स्थित है ये है आवड़ी में। कहाँ स्थित है, आवड़ी में स्थित है। तो 124 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देख लीजिए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको एक ही लाइन में याद करना होगा। जो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आदित्यनाथ योगी हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है ये देहरादून में स्थित है। देहरादून याद रखिएगा, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक। तो 126 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये बताना है आपको। तो ये जो है ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है, वाराणसी, जो कि नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से फिर ये 17वें लोकसभा चुनाव में भी जीत गए हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री भी बने हैं, ये भी याद रखिएगा, वाराणसी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 128 है कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये कहाँ पर है। तो ये जो स्थित है ये है नागपुर में। पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान जो है केंद्रीय, ये कहाँ स्थित है, नागपुर में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 129 है कि कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। कोशिकीय या आणविक जीव विज्ञान जो केंद्र है स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये भी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 130 है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई। जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। कब की गई थी, 1953 में की गई थी। 130 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देख लीजिए, भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाला पहली मिसाइल है। जो सतह से सतह पर मार करता था ये भारत में ही, ये कौन सी मिसाइल है। तो ये पृथ्वी है। ये कौन सी है, पहली विकसित किया गया था सतह से सतह मार करने वाला, पृथ्वी। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो ये जो पहली क्रूज मिसाइल है यह ब्रह्मोस है। सबसे विश्व का सबसे महान माना जाता है इसे, ब्रह्मोस, ठीक। ब्रह्मोस भारत और रूस नाम से ही पता चला, ब्रह्मोस, मतलब रूस का नाम भी आ रहा है, भारत का भी नाम रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल है कि रूस और क्रूज मिसाइल है ये, ठीक। निम्न में से टैंक भेदी प्रक्षेपात्र कौन से, जो टैंक को भेद कर सकता है, ये प्रक्षेपात्र बता रही है कौन सा है।
ये नाग है। नाग का होता है कि दागो और भूल जाओ, ठीक। ये टैंक वेधि प्रक्षुपात है। तब 133 का आंसर क्या हुआ, डी है। क्वेश्चन नंबर 134 कि भारत का इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन है। जो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है वो है अग्नि 2, ठीक। 134 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जल सेना का मुख्यालय कहाँ है, जो हमारा जल सेना है उसके मुख्यालय पूछ रहा है वो कहाँ है, वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक। अधिकतर सबका मुख्यालय नई दिल्ली में ही स्थित है सेना संबंधित। क्वेश्चन नंबर 136 है, देख लीजिए कि वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के ऑफिसर के समान रैंक का होता है। जो फ्लाइंग ऑफिसर का अधिकारी होता है वो नौसेना के किस ऑफिसर के बराबर होता है, ये सब लेफ्टिनेंट के बराबर होता है, सब लेफ्टिनेंट के बराबर होता है, याद रखिएगा। वायुसेना के परीक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है, जो वायुसेना है मीन्स की एयरफोर्स है। और ये याद रखिएगा कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है मीन्स की मुख्य सेनापति होता है वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति, जो प्रथम भारत के नागरिक भी होते हैं, और इनको मृत्युदंड क्षमा करने की भी शक्ति है, और इन्हीं के नाम पर सारे सहमति पर साइन भी होता है, ठीक, इन्हीं के नाम पर, ठीक। तो 137 देख लीजिए कि वायुसेना के परीक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो वायुसेना के परीक्षण कमांड का जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। 137 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पिनाक क्या है, पिनाक क्या है, पिनाकल या पिनाक क्या है, तो ये बताना है। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाकल, ठीक। पिनाक क्या है, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। 138 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 139 देखिए, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य जो है ये क्या है, ये भारत का पहला पायलट रहित विमान है। पायलट रहित मीन्स बिना पायलट के है, ये रहित विमान है जिसका नाम क्या है, लक्ष्य है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 140 अब देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी है। जो मिसाइल विभेदी पनडुब्बी पूछ रहा है भारत की पहली, तो ये INS सिंधु शास्त्र थी, ठीक। INS सिंधु शास्त्र थी, याद रखिएगा, ठीक। 144 का आंसर डी लगा लीजिएगा। 141 जो है कि निम्न में से किस भारतीय विज्ञानी को मिसाइल मैन कहा जाता है। आ गया क्वेश्चन घुमा फिरा कर, तो मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम को बोला जाता है, भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 142 है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। माफ कीजिएगा, जो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था वो आज़ादी के एक साल बाद ही किया गया था, ठीक। क्योंकि परमाणु से सिर्फ आपको ये मतलब कि बम ही नहीं बनता, उससे ऊर्जा निकलता है जिससे बिजली भी बनता है, ठीक। तो ये भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था, होमी जहांगीर भाभा थे उस समय इनके मुख, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, 142 का भी हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है, जो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है उसका क्या नाम है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये अप्सरा नाम है, ठीक, याद रखिए। भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था, ये इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। जो भारत का सफल परमाणु परीक्षण पहला पूछ रहा है, पहला कब हुआ था, तो 18 मई 1974 को हुआ था, याद रखिएगा। ये कहाँ हुआ था, तो पोखरण जो राजस्थान है वहाँ, और फिर पोखरण 2 भी हुआ था जो कि अटल बिहारी के राज्य में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापना की गई है, तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो किया गया है वो कहाँ किया गया है, तो ये कलपक्कम में किया गया है। कहाँ पर है, तो कलपक्कम में किया गया है। 146 निम्न में से किस देश को भारत ने परमाणु क्रमशः 3 और 2 सफल परमाणु परीक्षण किए। यहाँ पर देखिए, 3 और 2 सफल परमाणु परीक्षण किए गए थे, किस देश भारत ने क्रमशः 3 और 2 ये किए थे, ये परमाणु परीक्षण किए थे। अभी परमाणु मूवी भी आया होगा, आप देखे होंगे। तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 11 और 13 मई को 1998 में अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, और फिर जब चुनाव हुआ तो वहीं चुन कर आए, ठीक। तो उस समय परमाणु परीक्षण किया गया था, तो 146 का आंसर सी हो जाएगा। 147 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई। तो जो इसरो है, अनुसंधान संगठन है भारतीय, इसकी जो स्थापना हुई थी ये पूछ रहा है आपको, ठीक। तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1969 में माना जाता है, ठीक। तो 147 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 148 है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा। जो पहला कब छोड़ा और उसका नाम भी क्या था ये भी पूछ सकता है। तो जो पहला अंतरिक्ष उपग्रह छोड़ा गया था ये 19 मार्च 1975 को छोड़ा गया था, 19 मार्च 1975 को। तो 148 का आंसर ए हो जाएगा। 149 है कि भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। जो भारत के द्वारा प्रथम छोड़ा गया उपग्रह था, भारत के महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट या आपको दार्शनिक भी माने जाते हैं, उनके ही नाम से चुना गया था, ये कौन थे। 149 के आप लगाइए ये किस नाम से छोड़ा गया था, तो आर्यभट्ट के नाम से। जीरो की खोज इन्हीं का श्रेय जाता है, आर्यभट्ट का, ठीक। तो 149 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 150 है कि अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग दोनों दे रहा है,
इसका गठन कब किया गया था? यह किया गया था 1972 में। सबसे पहले 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 151 देख लीजिए, ठीक। निम्न में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? ये जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे ये राकेश शर्मा थे। कौन थे? तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, याद रखिएगा। 152 के अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह निम्न में से कौन सा है? सबसे पहला छोड़ा गया था कृत्रिम उपग्रह, इसमें से कौन सा है ये पूछ रहा है आपको। 152 लगाइए, ये जो है स्पुतनिक 1 है और ये USSR उस समय था, रसिया था, उसके द्वारा छोड़ा गया था। अब तो रसिया हो चुका है, उस समय USSR सोवियत संघ था, उसके द्वारा छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 153 हमें कि निम्न में से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जो अंतरिक्ष में गया था? ये देखिए, चंद्रमा पर नहीं, ठीक, वो नील आर्मस्ट्रांग था। अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति जो था वो कौन था? ये यूरिन गागरिन था, ठीक, याद रखिएगा। ये कौन था? यूरिन गागरिन, मैंने पहले भी बताया आपको। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रपुरम, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। 154 के आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। इसरो कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा, स्पेस वाला। क्वेश्चन नंबर 155 है कि निम्न में से भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? इसके शिक्षा के लिए छोड़ा गया था, पूर्णतः भारत द्वारा छोड़ा गया था, ये कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ये है एडुसेट। 155 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एडुसेट। क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्न में से किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? ये कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री, जो महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला प्रथम, उनके नाम पर रखा गया है, ये क्वेश्चन दे रहा है। तो ये जो है मैटसैट का नाम रखा गया है, ठीक, याद रखिएगा मैटसैट का। 156 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? अब आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, बार बार क्वेश्चन आया संयुक्त राष्ट्र संघ की। ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा रिजल्ट के रूप में यही निकल कर आया था। और इससे संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी तक के 193 देश हैं, और इसका जो 193वां है दक्षिणी सूडान बना था सदस्य, ये भी याद रखिएगा। और 2 ऑब्जर्वर देश हैं, तो टोटल जो ऑब्जर्व कर रहे हैं देख रहे हैं वो भी मिल सकता है उनको भी, जैसे फिलिस्टाइन एक है और एक और देश है, ठीक। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय पूछ रहा है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो स्थित है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर है? तो 158 के आंसर क्या हो जाएगा? बी, न्यूयॉर्क स्थित है, ठीक, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की देशों की संख्या कुल कितना है? तो 193 है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर लास्ट देश जो था दक्षिणी सूडान था, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त है, ठीक, तो वीटो शक्ति किसे प्राप्त है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सुरक्षा परिषद होता है जो उसके सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य जो होते हैं ये सुरक्षा परिषद के। कौन कौन है? तो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस और चीन है। मीन्स की 5 जो हैं इन्हीं के पास क्या है? वीटो की शक्ति है, ठीक। कहीं भी वीटो लगा कर ये उस कानून, उस जो पास होने वाला है संयुक्त राष्ट्र संघ से, कोई भी उसे रोक सकते हैं। तो इस 160 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, जो सदस्य होते हैं ना सुरक्षा परिषद उसमें 15 होते हैं, लेकिन जो अस्थाई होते हैं वो होते हैं 5, जो इन लोगों का है, और जो अस्थाई होते हैं वो होते हैं 10। तो अस्थाई जो सदस्य अस्थाई होते हैं वो 2 साल के लिए प्रत्येक चुने जाते हैं अलग अलग, वो 10 सदस्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो टोटल 15 होते हैं, इसमें अस्थाई 5 और अस्थाई 10। 161 देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं उनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये दे रहा है, ठीक। 161 आप लगाइएगा, 161 क्वेश्चन हो जाएगा आपको, मैं लगाने के लिए आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बताइएगा। क्योंकि भारत के जो जैसे कि और भी ऐसे हैं जो जिनका इनका कार्यकाल इतने वर्षों तक होता है, ठीक, तो ये ज़रूर आप लगाइएगा क्वेश्चन। मैं ऑप्शन में आप लगा कर बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने आपको पहले भी बताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, संयुक्त राष्ट्र के अभी कौन महासचिव है, प्रथम महासचिव पूछ देता है, तो ये कौन है? तो ये त्रिंगवेली थे। कौन थे? त्रिंगवेली ये प्रथम थे। यूनेस्को जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है ये पेरिस में स्थित है। कहाँ पर है? पेरिस में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ थी ये पूछ रहा है। तो ये जब हुआ था, 164 का देखिए, ये हुआ था 1 जनवरी 1995 को। इससे पहले ये गैट के नाम से जाना जाता था, ठीक, तो 1 जनवरी 1995। क्वेश्चन नंबर 165 है, देखिए 164 देख लिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये वाशिंगटन DC में स्थित है, ये अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन DC यहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 160 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है 166 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। नहीं, ये स्थापना पूछ रहा है, ठीक। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या, यहाँ पर दे रहा है मुख्यालय, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय दे रहा है, ठीक। स्थापना तो मैंने आपको बताया 95 में विश्व, उसके पहले गेट के रूप में जाना जाता था। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जनेवा में, याद रखिएगा, है जनेवा में। क्वेश्चन नंबर 167 है कि संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र में कुछ भाषा को मान्यता प्राप्त है, भारत भी कोशिश कर रहा है कि हिंदी को भी संयुक्त राष्ट्र में लाया जाए प्राप्त भाषा, उसका भी एक जैसे कि रूपांतरण होता है, जैसे कि जो सदस्य होते हैं उनको वो लैंग्वेज में सुनाई देगा, जो भी बोलेगा कोई, उसमें खर्चा भी लगता है। तो ये जो है, ये कौन है, अंग्रेजी और फ्रेंच है, चीनी, रशियन है, अरबी और स्पेनिश, ये सभी हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक, अभी जो जाधव हैं उनका चल रहा है कि जो पाकिस्तान में पकड़े गए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग में स्थित है, द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 169 है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, जो यूरोपीय संघ है, यूरोप से बहुत से मिल के देश यूरोपीय संघ बनाए हुए हैं 29-30 देश, तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये ब्रुसेल्स में स्थित है। 169 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कहाँ पर, ब्रुसेल्स में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 170 है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, जो एशियाई विकास बैंक है उसका मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। 170 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे सार्क के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब हुई थी, जो ये सार्क है इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, कब हुई थी, 1985। दक्षिण एशिया के जो भी देश है उसमें सदस्य होते हैं, भारत भी है। निम्न में से किस संगठन का नया नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ये आप बहुत आसानी भाषा से समझ सकते हैं कि इनके जो भी हैं लोग को बुलाया भी गया था भारत के जो प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, तो इस बार तो ये कौन है, बिम्स्टेक के देश हैं, ठीक। बे ऑफ बंगाल से भी आप लगा सकते हैं इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल, तो बिम्स्टेक आप लिखिएगा, बिम्स्टेक लिखिएगा, तो उसमें से आप फुल फॉर्म ढूंढ सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 है कि सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब से लागू है, जो मुक्त व्यापार है उसका साफ्टा कब से लागू है सार्क देशों के बीच से, तो 1 जनवरी 2006 से, तो 173 का डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 174 की मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना 2000 में की गई थी, इसके सदस्य देश है, जो मेकांग है, मेकांग नदी और गंगा नदी दोनों वाले जो क्षेत्र जो यहाँ बहती है वो मिलकर बनाए थे ये, ठीक। तो ये जो है इनके स्थापना 2000 में की, इसके सदस्य देश है तो भारत, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड, ये सभी हैं, ठीक। क्योंकि कुछ देश मेकांग जहाँ बहती है, जैसे कि कंबोडिया, वियतनाम में से, और कुछ देश जहाँ गंगा, ठीक। तो भारत में गंगा, 174 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन में 175 है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था, आधुनिक जो अभी ओलंपिक खेल होता है उसका जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो 1896 से एथेंस से हुआ था, सबसे पहले भी एथेंस से ही हुआ था, इससे भी पहले बहुत मतलब प्राचीन काल में भी एथेंस में ही खेला जाता था खेल, ठीक। क्वेश्चन 176 कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, जो ओलंपिक खेल है उसके 4 वर्षों पर किया जाता है, ठीक, कितने वर्षों पर, 4 वर्षों पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 177 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका लुसाने में है मुख्यालय, कहाँ पर है, क्वेश्चन में 177 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, जो राष्ट्रमंडल हमारा खेल है उसका भी आयोजन उतना ही साल पर, मुख्यतः सभी खेल अगर आप अनुमानता देखिएगा, मीन्स कि बड़ा बड़ा जो खेल है जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब ये 4 साल पर ही किए जाते हैं, जिसका भी 4 साल ही होगा, 178 के आंसर सी हो जाएगा। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था, सबसे पहले लगातार 4 बार भी जीता था ये भारत, इसलिए उस समय राष्ट्रीय खेल हॉकी भी बनाया गया था उस आज़ादी के बाद, क्योंकि उस समय प्रदर्शन ऐसा था, अभी हॉकी पता ही नहीं लोग, देखिए क्वेश्चन आएगा तो अगर दे देता है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, तो आप हॉकी ही लगाइएगा, ठीक, आपको डिटेल पूरे जानने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो भारत के किस वर्ष और कहाँ के हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता गया था, तो ये पूछ रहा है, तो ये जो हुआ था 1928 में हुआ था एमस्टर्डम में, वहाँ पर भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेल में जीता था, ठीक, कौन, तो हॉकी में स्वर्ण पदक। अभी तक सर्वाधिक 5 बार किस देश ने विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है, तो सर्वाधिक बार 5 देश ये जीती है, ये सबसे ज़्यादा जीती है, ब्राज़ील ने ही फिलहाल जीती, तो 180 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा जीता है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले
जीतने के लिए किसी खिलाड़ी का निम्न में से कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक है, कि ये अगर ग्रैंड स्लैम इनको जीतना है तो ये क्या टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक है, ये कौन से टूर्नामेंट समूह है वो जीतना आवश्यक है। तो सबसे पहले विंबलडन, ठीक नहीं यहाँ पर देखिए विंबलडन नहीं है, 181 के आंसर सी देख लीजिए आप। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक ऑस्ट्रेलियन ओपन फिर होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर अमेरिकी ओपन, ये चारों जीतेंगे तभी ये इनको पुरस्कार दिया जाएगा, कौन सा ग्रैंड स्लैम जीतने का। ठीक, भारत ने किस वर्ष विश्व कप क्रिकेट प्रेडेंशियल कप जीता था, प्रूडेंशियल कप कब जीता था भारत ने विश्व कप में, ये पूछ रहा है। सबसे पहले ये तो आपको बताना है ये कब जीता था, दो बार इंडिया जीता हुआ है, तो 187 का आंसर क्या हो जाएगा, 1975 है। ये भारत ने किस वर्ष विश्व कप क्रिकेट का प्रेडेंशियल कप जीता था, ठीक तो 182 प्रेडेंशियल कप बता रहा है, ठीक ना, तो ध्यान से देखिएगा, प्रेसिडेंशियल कप दे रहा है प्रेडेंशियल कप, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से लगाइएगा तो ये 1983 में जीता था, माफ कीजिएगा ये 1983 में जीता था, ठीक तो 182 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी तक भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में तीसरा शतक लगाया है, फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही लगाए थे, कौन तो करण नैयर ने लगाए थे, ये तो करण नैयर ने लगाया था, और फिर उससे पहले सबसे पहले जो लगाए थे ये वीरेंद्र सहवाग जी थे, और करण नैयर को ट्वीट भी किए थे वीरेंद्र सहवाग कि 300 के क्लब में आप आ गए हैं, तो तीसरा टेस्ट में लगाया गया था शतक, तो ये हो जाएगा डी 183 का, वीरेंद्र सहवाग और करण नैयर, अभी अभी करण नैयर ने लगाया, ठीक नैयर। 184 है कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है, जो एजरा कप है वो किस खेल से संबंधित है, ये दे रहा है तो ये पोलो से संबंधित है, किससे है ये पोलो से संबंधित है, याद रखिएगा। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है, जो ड्यूस है वो किस खेल से संबंधित है दे रहा है, तो ये जो है ड्यूस ये किससे संबंधित है ये दे रहा है, ठीक 185 का आंसर क्या हो जाएगा, टेनिस से, 185 का आंसर क्या हो जाएगा, डी लगाइएगा, टेनिस ये संबंधित है, ठीक। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, जो पोलो होता है उसमें कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है तो ये चार भाग लेते हैं, ठीक तो 186 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। 187 अब देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन अगर आया तो आप ऑप्शन में क्या लगाइएगा, हॉकी ही लगाइएगा, ठीक हॉकी लगाइएगा, क्योंकि अभी भी राष्ट्रीय खेल हॉकी ही माना जाता है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर नहीं है कोई भी राष्ट्रीय खेल अभी का भारत का घोषित नहीं किया गया, पहले हॉकी था और अभी तक एग्जाम में हॉकी ही हॉकी लोग लगाते हैं, ठीक तो 187 का आंसर ये हो जाएगा। 188 है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन है, जो यूएसए अमेरिका है उसका राष्ट्रीय खेल पूछ रहा है कौन है, ये बेसबॉल है, ठीक तो 188 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 है कि शतरंज बोर्ड में खानों की कुल संख्या, शतरंज बहुत अच्छा गेम है, बहुत अच्छा लगता है खेलने में, बहुत समय भी लेता है, मज़ा आता है खेलने में, ठीक तो इसमें जो खाना का संख्या रहता है ऐसे रहता है, उजला और ब्लैक वाला होता है, ऐसे 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 मीन्स कि इधर से 8 इधर से 8 तो मिला लीजिए तो बन जाएगा कितना, तो 8 64 बन जाता है, ठीक ये याद रखिएगा। मैराथन दौड़ में कुल दूरी तय की जाती है, मैराथन जो दौड़ है उसमें कुल कितने दूरी तय की जाती है ये पूछ रहा है, तो 42.195 किलोमीटर दूरी जो है वो मैराथन, और हाफ जो होता है तो इसका हाफ कर दीजिएगा, हाफ मैराथन पूछेगा तो, ठीक तो 190 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मैराथन में 42.195 किलोमीटर दौड़ा जाता है। निम्न में से भारत के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक क्रिकेट विकेट लिए हैं, किस टेस्ट खिलाड़ी ने 500 से अधिक जो विकेट लिए हैं इसमें से पूछ रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चलिएगा, ठीक तेजी जो हो जाएगा अनिल कुंबले हो जाएगा, 191 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 192 देखिए ये भी क्रिकेट से ही, निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने विश्व के टेस्ट और वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाए, सर्वाधिक शतक बनाने का श्रेय तो हमारे सचिन तेंदुलकर को ही जाता है, और ये प्रथम खिलाड़ी भी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था, ठीक तो 192 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो 192 का आंसर सी लगा लीजिएगा। 193 के निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को ब्लैक डायमंड कहा जाता है, जो ब्लैक डायमंड है उस इनमें से किस खिलाड़ी को कहा जाता है, तो ये पेले को बोला जाता है जो, ठीक पेले जो है फुटबॉल से संबंधित है इसे ब्लैक डायमंड भी बोला जाता है, ठीक तो 193 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 194 देख लीजिए कि किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है, जो थॉमस कप दिया जाता है वो किस खेल में दिया जाता है ये आपको बताना है, ठीक तो ये जो दिया जाता है ये बैडमिंटन में दिया जाता है, किसमें बैडमिंटन में दिया जाता है, ठीक। आजलन शाह कप ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन आता है, आजलन शाह कप किस में दिया जाता है, तो ये हॉकी में दिया जाता है, आजलन शाह कप जो दिया जाता है हॉकी में दिया जाता है, 195 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 है कि विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हैं, विश्व प्रसिद्ध पहले थे, अब तो रसिया के खिलाड़ी और स्वीडन का, स्वीडन की नॉर्वे के खिलाड़ी आ जाता है,
ठीक। तो विश्वनाथ, जो विश्वनाथ आनंद थे वो किस खेल से जुड़े थे? ठीक, बहुत वर्ल्ड विजेता बने हुए थे पहले। ठीक, तो ये जो थे, ये विश्वनाथन आनंद ये है जो कि शतरंज से हैं। ठीक, शतरंज के माहिर थे। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम निम्न में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? और स्टेडियम से भी इम्पोर्टेंट आ जाता है, तो जो अंबेडकर स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है वो किससे है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन, पूछ सकता है ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? ठीक, तो ये कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये जो है कोलकाता में स्थित है। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। तो 198 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 199, ये सेकेंड लास्ट आपका क्वेश्चन है, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो रानी झांसी ट्रॉफी जो है ये किस खेल में प्रदान किया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक, तो 199 का आंसर क्या हो जाएगा? ये क्रिकेट में प्रदान किया जाता है। 199 का आंसर हो जाएगा ए, क्रिकेट। ठीक, देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है, जो देश हमारा इंडिया है, पूरे इंडिया में सबसे ऊंचा जो टीवी टावर है वो पीतमपुरा टीवी टावर नई दिल्ली, दिल्ली में स्थित है। ठीक, तो सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ है? दिल्ली में। ठीक, याद रखिएगा। ये था आपका 200 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन। और आपसे जैसे पूछा था कि असम का नाम क्या है, असम का नाम क्या है? ठीक, पहले तो कामरूप उसका नाम था पुराना असम का, ये क्वेश्चन पूछे हैं मैंने। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अभी जो 2000 मिला था इस बार नोबेल पुरस्कार, इसकी इससे पहले 2019 से पहले, ठीक, वो नोबेल पुरस्कार में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और देख लीजिएगा मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको ज़रूर देना है। और अगर कोई वीडियो में, अगर क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसको सही करता हूँ। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्टडी मूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।